नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रथम सेठी। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने सोमवार को नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में भी अमित शाह को गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास ही रहेगा। मोदी 3.0 सरकार की कैबिनेट में कई नेताओं को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं एनडीए में भाजपा की सहयोगी पार्टियों के नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। मोदी सरकार ने सहयोगी दलों के 11 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा प्रमुख राम मांझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, एलजीपी नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। 18वीं लोकसभा में देश के 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनोहर लाल खट्टर इस बार करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को केंद्र के कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वह 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 3 करोड़ परिवारों को एक नया तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना को जारी रखने और योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है और इस योजना को करोड़ों भारतीयों के जीवन यापन में सुगमता और सम्मान के लिए प्रोत्साहन बताया है। केंद्र में तीसरी मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। विभाग का कार्यभार संभालते ही वित्त मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 1,39,750,000 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए के करीब राशि ट्रांसफर की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर हस्तांतरण के नियमित रिलीज के अलावा अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट भी जारी किया जाएगा। कर हस्तांतरण राशि का खर्च राज्य सरकारें राज्य के विकास के लिए करती है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी रहने की चेतावनी दी है। साथ ही अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गोवा समेत दक्षिण भारत के हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन हिस्सों में भारी वर्षा, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। न्यूयॉर्क दौरे पर गए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस खबर से क्रिकेट जगत का माहौल गमहीन बना हुआ है। रविवार को भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान वह स्टेडियम में मौजूद थे। मैच के अगले दिन अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी मौत की पुष्टि की है। अमोल काले महाराष्ट्र के एक प्रमुख बिजनेसमैन थे और उन्हें अक्टूबर 2022 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। संस्थान ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में BBA, BCA और पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथ ही नए कोर्स BCom के लिए भी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक छात्र टेक्निया इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए MBA और MCA के इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अनुबंधित है। साल 2024 नीट रिजल्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों द्वारा NTA के खिलाफ दायर की गई याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA को एक नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों ने जारी किए गए रिजल्ट को रद्द कराने और दोबारा एग्जाम कराए जाने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से आयोजित किए नीट 2024 एग्जाम की जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA को नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन छात्रों की काउंसलिंग रुकवाने की मांग खारिज कर दी है। नेटफ्लिक्स ने इस महीने रिलीज होने वाली सीरीज कोटा 53 का ट्रेलर जारी कर दिया है।
सीरीज में पंचायत 3 के सचिव जी और कोटा में आईआईटी कोचिंग सेंटर की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अभिनेता जितेंद्र कुमार कोटा फैक्ट्री सीरीज की पिछली 2 कड़ियों में भी जीतू भैया के किरदार में नजर आ चुके हैं। राजस्थान के कोटा पर आधारित ये वेब सीरीज नीट जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के संघर्ष और मेहनत को दिखाती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।